मरियम, मरियम इससे पैनिक मत करो प्लीज। नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा पा, मेरा ऐसा नहीं हो सकता। मरियम अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना, हम लोग संभाल सकते हैं सिचुएशन को। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा, मेरा मैं आपकी तरह शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने दूंगी कुछ तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। मुर्तज़ा भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो उनके जैसा कोई नहीं होता। मैं उसको नहीं खोना चाहती मीरा, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी। माँ, माँ मैं आपको बता रही हूं, मैं नौरेज से शादी नहीं करूंगी। ये तुम हया की जुबान कब से बोलने लगी? माँ ये जुल्म है, मुझे बिना बताए कैसे कर सकती हैं आप? मैं आपको बता रही हूं कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी लेकिन नौरेज से शादी नहीं करूंगी। कि तुम इतना वावेला किसकी शय पर कर रही हो? कौन है? अच्छा तो ब्यूटी पार्लर तुम सिर्फ चेहरे की लेपापोती करवाने गई थी, दिल और दिमाग की भी करवा देती तो अच्छा था। माँ बेगम आप देखें तो सही, इसे आप खुद अंदाजा लगा लें। मेरी बेटी आज इस तरह मेरे सामने खड़ी है, मुझे लगता है इसकी वजह तुम। माँ इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे हया ने बताई है ये बात। इस हया को तो अल्लाह पूछे, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं नहीं समझती कुछ, किसी भी हाल में नौरेज से शादी नहीं करूंगी मैं। बस हो गया बहुत, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मेरी मर्जी होगी, जिसे मैं तुम्हारे लिए मुंतखब करूंगी। हमारे यहां हमेशा यही होता आया है और यही होगा। हमारे यहां की बेटियां वही फैसला करती हैं जो उनके माँ बाप का होता है। प्लीज माँ, माँ प्लीज ये जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। और वो लोग तो हया के लिए आए थे ना? बिल्कुल सही कह रही है अम्मा बेगम, ये जब वो हया के साथ रिश्ता तय करके गए तो उन्हें मरियम क्यों चाहिए? लड़के को मरियम पसंद आ गई, मेरी बेटी है ही लाखों में एक, तो उसे क्यों दे रही हैं आप? हरगिज नहीं, मैं तो उसकी शादी बहुत आलीशान अंदाज में करूंगी इंशाल्लाह। मां मुझे शादी ही नहीं करनी। मैंने भेजा है मुर्तज़ा को साबरा और नौरेज से बात करने के लिए, और समझाया उसे मैंने कि अगर वो हया को रिश्ते से इनकार कर सकते हैं तो तुम मरियम के लिए इनकार करके आ जाओ।